ईसु तू है महान, तेरे जय जयकारो। ईसु तू है महान, तेरे जय जयकारो। हो तेरे जय जयकार, हो तेरे जय जयकार, हो तेरे जय जयकार, हो तेरे जय जयकार। हालेलुया 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 हालेलुया। गाए हम ईसु तो है महान, तेरे जय जयकारो। ईसु तो है महान, तेरे जय जयकारो। तूने बनाया सारे सृष्टि, कितना सुंदर है। पांच भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। तूने बनाया सारे सृष्टि, कितना सुंदर है। पांच भी तेरा गुण गाते, गाता है मेरा मन। सृजन സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, എല്ലാവർക്ക് പിന്നെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഇന്നലെ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഇന്ത്യയിൽ സൗകര്യ സഹോദരന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്ത കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇന്നും അങ്ങയുടെ വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കൊണ്ണം പ്രിയ ജോൺസൺ സഹോദരനും ആവശ്യമായ കൃപ നൽകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം. എൻ്റെ ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന
പ്രയാസങ്ങളെ അറിയുന്ന കർത്താവ് എന്നാൽ അങ്ങയുടെ അമിതമായിരിക്കുന്ന ബലം നൽകി സഹായിക്കുകയും ശുശ്രൂഷയെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയെ അറിയുന്ന കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസനിൽ കൂടി അവിടുത്തെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ദൂതുകളെ നൽകുവാൻ പ്രസാദിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു. ഇത്രയും പേർ കർത്താവെ കടന്നു വരുവാൻ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം. അവർ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തോട് കാണിക്കുന്ന ആദരവ് മറന്നു കളയുന്ന ദൈവമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെയും അവർ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദേശത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഈ കുടിവരവ് കാരണമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെല്ലാ നന്മകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. സകലതും പിതാവെ അവിടുത്തെ പുത്രൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. പ്രഭുവിനെ ഹം സബ്കോ ഇസ് തരഹ് സേ ഏക് ഓർ മൗക്കാ ദിയാ ഉസ്കേ ലിയേ മൈ പ്രഭു കാ ശുക്ര ഗുജാർ ഹൂം. സഭി ഭായി ഓർ ബഹനോ കാ ഏക് ബാർ ഓർ മൈ സ്വാഗത് കർത്താ ഹൂം. ഹം ലോഗ് പ്രഭു കേ വചൻ സേ ബഹുത് ഹി ക്രമബദ്ധ തരീക്കേ സേ കൈ ബാതേ ദേഖ് രഹേ ഥേ, ജിസ്മേ സേ ഏക് വിശേഷ ബാത് യേ ഥീ കി കിസ് തരഹ് സേ ആജ് സേ लगभग 3,500 साल पहले प्रभु ने जिन लोगों को चुनकर अपनी प्रजा बनाया था उन लोगों को मिस्र देश में गुलाम बनाकर रखा गया था. और ये दो या चार गुलाम नहीं थे, 20 लाख लोग थे. इन 20 लाख लोगों में से प्रभु ने एक व्यक्ति को उठाया, एक व्यक्ति को उभारा. उस महान नायक का नाम था मूसा. मूसा को वो यहूदी होते हुए भी प्रभु ने घटनाओं का कुछ क्रम इस तरह से प्रभु ने उसका ताना बाना बांधा कि जन्म से जो पैदाइशी यहूदी था उसको लगभग 40 साल मिस्र देश के महल में रहकर मिस्र की भाषा, मिस्र का कल्चर, मिस्र देश के ऊंचे से ऊंचे विज्ञान का ज्ञान दिया गया. प्रभु जब एक व्यक्ति को चुन लेते हैं और वो व्यक्ति यदि अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के प्रति समर्पित कर देता है तो उस व्यक्ति का उपयोग करने से पहले, उपयोग करते समय और उसके बाद उस व्यक्ति को क्या ट्रेनिंग देनी है ये प्रभु स्वयं डिसाइड करते हैं. जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें. वो महान नायक मूसा इस बात को जानता था कि मेरे लोग, प्रभु के लोग मिस्र देश की गुलामी में है और उनको छुटकारे की ज़रूरत है, और उस कार्य के लिए उसने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था. एक जरा सी गलती हुई थी, समर्पित तो किया लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है, क्या करना है ये जाने बिना उसने अपनी मानुषिक बुद्धि का प्रयोग किया. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मूसा को भाग कर 40 साल मरुभूमि में भेड़ों को चराना पड़ा. लेकिन वो भी प्रभु की ट्रेनिंग का हिस्सा था, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ. 40 साल तो मिस्र के आलीशान महलों में सबसे बड़े बड़े इंजीनियर और वैज्ञानिकों के अंडर उसकी ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद 40 साल दुनिया का सबसे मूर्ख जानवर जो होता है, बुद्धिहीन जानवर, उसको चराने की ट्रेनिंग प्रभु ने उसको दी. मैं ये बात आज इस संध्या प्रभु की वाणी जो लोग सुन रहे हैं उन सब भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ. यदि आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है तो आपके जीवन में समर्पित करने के बाद जो कमी, घटी, परेशानी, अकेलापन और जो कुछ भी आता है उसके बारे में आप परेशान न हो, शक ना करें. इसलिए कि चूंकि आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दिया है, इसलिए प्रभु
आपको जहां ले जाना है ले जाएंगे, आपसे जो कार्य करवाना है वो कार्य करवाएंगे, और आपको जो ट्रेनिंग देनी है वो ट्रेनिंग देंगे। पिछले दिनों मैं अपनी जीवनी लिख रहा था। मैं अपने बचपन से बहुत ही बुद्धिमान था, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन हमेशा फर्स्ट क्लास आता था। ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि जब वो कॉलेज में जाएगा तो बहुत ज़्यादा शोभायमान होगा, ऐसा नहीं हुआ। बीएससी सेकंड ईयर में फेल हो गया। यहाँ जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनमें से शायद किसी को नहीं मालूम होगा, मैंने 5 साल में बीएससी की। बीएससी तो 3 साल में हो जाती है, 5 साल क्यों? फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? बुद्धि की कमी के कारण नहीं। तो वो 2 साल जो मुझे, जब मैं एग्जाम नहीं दे पाया, बर्बाद हो गए क्या? नहीं। आज मैं पलट कर 64 साल की उम्र में जब पलट कर देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अंधेरे से भरा हुआ वो पीरियड, वो सबसे अधिक रोशनी से भी भरा हुआ था। क्योंकि ग्रीक भाषा, जिसमें नया नियम लिखा गया है, और परमेश्वर के वचन की थियोलॉजी वगैरह, उन 2 सालों में गहराई से अध्ययन करने का मौका मिला। और बाद में जब मैं सेमिनरी गया तो वहाँ जो कुछ पढ़ाया जा रहा था बहुत आसानी से समझ में आने लगा। मेरे और आपके हर एक के जीवन में ऐसा समय आता है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। शायद ऐसा पीरियड जब नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार हैं। शायद ऐसा कोई पीरियड जब आप नौकरी तो कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं है। ऐसी घटनाएं जब हमारे जीवन में होती है तो वो हमारे मन को बुरी तरह से मथ देती हैं, बुरी तरह से बेचैन कर देती हैं। लेकिन याद रखें, यदि आपने अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है तो उसके बाद आपके जीवन में जो गलती आप जानबूझकर करते हैं वो आपकी गलती है, लेकिन आप जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि आपके जीवन में परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो याद रखें कि उसे प्रभु ने भेजा है। मेरे साथ क्या हुआ था, बीएससी फर्स्ट ईयर में जब मैं पढ़ रहा था, तब तक मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता था। फर्स्ट ईयर में एक दिन अचानक मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, तब प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की, और उस दिन मैंने वहाँ पर घुटने टेक कर कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा एक वैज्ञानिक बनने की है, लेकिन यदि आपकी इच्छा यह है कि मैं आपकी सेवा के लिए नौकरी छोड़कर अलग हो जाऊँ, तो मैं उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ और अपने आप को अर्पित करता हूँ। जिस बच्चे ने अपने आप को इस तरह से प्रभु के लिए अर्पित किया था, उसके जीवन में तो सफलता 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 ही होनी चाहिए। लेकिन नहीं, बुद्धि के होते हुए भी सेकंड ईयर में मैं जो फेल हुआ, उस कारण मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे जीवन में प्रभु के वचन की जो नींव पड़ी, यूनानी भाषा जिसमें नया नियम लिखा गया था उसकी जो नींव पड़ी, प्रभु के वचन की जो सिस्टमैटिक थियोलॉजी है उसकी नींव पड़ी, ये सब उन 2 सालों में हुआ जब प्रभु ने कहा कि जरा रुक जाओ, स्टॉप। बहुत अपमान हुआ था मेरा, लेकिन वो डार्क पीरियड मेरे जीवन में सबसे ज्यादा रोशनी से भरा हुआ स्वर्णिम युग था, गोल्डन पीरियड। तो आज आगे बढ़ने से पहले बैकग्राउंड में मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग प्रदेशों के हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और मेरे सामने कई भाई लोग बैठे हैं जो हजारों किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़कर, परिवार से अलग यहाँ इस केरल प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, जिससे कि वे जो परिवार छोड़कर आए हैं उस परिवार की मदद कर सके।
आपके मन में हमेशा ये भावना होगी कि देखो मैंने अपने परिवार के लिए इतना त्याग किया, मैं उसके साथ साथ प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूं और इस कारण मेरे जीवन में किसी तरह की मुसीबत नहीं आनी चाहिए। यह सोचने का तरीका अच्छा है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। मेरे जीवन में परेशानी नहीं आनी चाहिए, यह मेरी इच्छा है, लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि यदि प्रभु किसी चीज को मेरे जीवन में आने देते हैं तो मैं उसे खुशी के साथ ग्रहण करूं। मूसा के जीवन से हम ये पढ़ते हैं, ये समझते हैं, जिस आदमी ने 40 साल मिस्र देश के महलों में पालन पोषण, खान पान, युद्ध का अभ्यास, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग, साइंस की ट्रेनिंग ली थी, 40 साल जंगल में सबसे मूर्ख जानवर को पाल रहा है, लेकिन उसके द्वारा प्रभु ने उसको क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आदमी भेड़ों को 40 साल चरा लेता है उसके जीवन में क्षमा धैर्य उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तब प्रभु उसको वापस लाए और उस जमाने के शहंशाह के सामने खड़े होकर उसने कहा, प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा को जाने दो। ओके, उसने कहा कौन प्रभु है जरा बताओ तो, बाकी सारी घटनाएं मुझे और आपको मालूम है। मुझे और आपको ये भी मालूम है कि किस तरह से फाइनली प्रभु ने काफ़ी मुसीबतें उनके ऊपर डालने के बाद फाइनली मिस्र देश के हर परिवार, यहाँ तक कि जानवरों के भी पहलौठों का संहार किया। मिस्र देश में ऐसा हाहाकार मच गया, ऐसा रोना मचा जैसा मिस्र देश के इतिहास में ना तो उसके पहले हुआ था ना उसके बाद हुआ था। मिस्र के शाहनशाह ने कहा ले जाओ सब कुछ। प्रभु ने जैसा कहा था उसके अनुसार वो जानवर सब बांध के वो लोग चल दिए। हर एक ने अपने पड़ोसी से कहा कि आभूषण पैसा जो तुम्हारे पास है सोना चांदी दे दो। उन्होंने जो था सब दे दिया, बोला कि भैया तुम इस देश में से बाहर चले जाओ। इस घटना के समय मैंने एक बात और आपको बताई थी, उसके बारे में एक बार और याद दिलाना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक 12वें अध्याय के 38वें पद में हम पढ़ते हैं, उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी गई थी। आगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि प्रभु के लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास में इस मिली जुली भीड़ ने निरुत्साहित किया। जो छोड़ कर आए थे उसको वापस लेने के लिए, जो गलत है उसका आलिंगन करने के लिए, जो प्रभु के बच्चे को नहीं करना चाहिए वो करने के लिए इस मिली जुली भीड़ ने प्रोत्साहित किया। आज जितने लोग प्रभु के वचन से प्रभु की वाणी सुन रहे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आप इस तरह से नौकरी पेशा वगैरह करते हैं तब हमारे साथी लोग, हमारे साथ जो लोग नौकरी करते हैं, जिनके साथ हमारा निवास है, वे तमाम तरह के गलत कार्यों के लिए हमको प्रोत्साहित करेंगे, नशा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, समय बर्बाद करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपस में गाली गलौज करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, यहां तक कि तमाम तरह के अपराध कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कौन है ये लोग? वो मिली जुली भीड़ जो आधे बाहर से प्रभु के बच्चों के समान लगते हैं, अंदर से जिनका दिल पाप से भरा हुआ है, बाहर से देखने में प्रकाश नजर आता है अंदर से सब कुछ काला ही काला है। मैं सभी भाई और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम नौकरी पेशे के लिए किसी प्रदेश में जाकर रहते हैं, बहुत केयरफुली हमें अपने साथियों को और अपनी संगति को जांचना चाहिए कि इस व्यक्ति का असर मेरी बोली पर क्या होता है, फलाने व्यक्ति का असर मेरे सोच पर क्या होता है, फलाने व्यक्ति का असर
मेरे कर्मों पर क्या होता है, कहीं ये लोग मुझे मेरे धार्मिक जीवन को छोड़कर अधार्मिक जीवन के लिए आकर्षित तो नहीं कर रहे हैं। और मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति बड़े से बड़े गलत कार्य में पकड़ा जाता है या फंस जाता है, वो कभी भी उस बड़े कार्य से नहीं चालू करता है, एक छोटे से कार्य से चालू करता है। मेरे साथ कई साथी लोग थे, प्रोफेसर लोग, जो चोरी छिपे स्मोक करते थे। कई बार मैं पूछता था कि ये चोरी छिपे क्यों कर रहे हो? अरे यार, वाइफ को पता चल जाएगा तो घर में नाटक हो जाएगा। तो मैं पूछता था कि भैया, यदि ये कार्य इतना खराब है कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, विवाहित जीवन में शांति खत्म हो जाएगी, तो काहे को स्मोक करते हो, काहे को पीने पाने की आदत डाल देते हो? उनमें से हर एक का जवाब एक समान था, शास्त्री फिलिप, हमने ये जानबूझकर चालू नहीं किया था। आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले या 10 साल पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब हमारे साथी लोग ये कर्म करते थे और कई बार कहते थे कि अरे तू करना मत, लेकिन एक टेस्ट तो लेके दे, मतलब तू धूम्रपान मत करना, लेकिन कम से कम एक बार खींच कर देख कि क्या लगता है। एकाध बार खींचा, एकाध बार धुएं का प्रभाव जाना, फिर लगा कि अरे ये तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर लगा कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पहले उनके कहने पे किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, बाद में हम उसके गुलाम हो गए। इसी तरह से जो लोग अन्य प्रकार का नशा करते हैं, इनमें से सब लोगों ने मुझे यही बात बताई कि हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे साथी ने कहा अरे देख तो ले, कोशिश तो कर ले। और वहाँ उन लोगों ने जो कहा, उस कोशिश, एक कोशिश, उसके बाद दूसरी कोशिश, और दूसरी कोशिश के बाद फिर कोई कोशिश नहीं रही, उसके बाद तो वो आदत बन गई। इसलिए मैं जो अपने घरों से बहुत दूर आकर सुबह से शाम तक कठोर मेहनत करते हैं, उन भाइयों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके साथी लोग, आपके सहकर्मी लोग जो आपके साथ मकानों में एक साथ रहते हैं, कई बार वो लोग आपसे कहेंगे कि अरे आदत डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रा ट्राई तो कर ले, ज़रा ट्राई करके देख लीजिए, ये शैतान का शोकेस है। एर्नाकुलम में जब वो जो मार्केट वाले इलाके में जाते हैं, तो क्या बड़े बड़े कांचों में उसके पीछे मूर्तियां लगी हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, देख के लगता है कि ये सब खरीद के घर ले जाओ, शोकेस। इसी तरह से जहां हम नौकरी करते हैं, जहां हम रहते हैं, हमारी जो मित्र मंडली है, हम इसको ना भूलें कि वो पाप का शोकेस है। पाप को बहुत ही आकर्षक तरीके से वो हमारे सामने प्रदर्शित करता है, लेकिन हम उसमें फंसे नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये प्रभु की इच्छा है। ये जो मिली जुली भीड़ उनके साथ गई थी, इन्होंने बहुत गड़बड़ किया, प्रभु के बच्चों को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पाप में घसीट कर फंसाया। ठीक है, अच्छा, ये 20 लाख लोग मिस्र देश से छूट गए, रातों रात निकल लिए थे। फिरौन, मतलब राजाधिराज और उसकी जनता के लोग तो भयंकर विलाप कर रहे थे, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी के पिताजी मर गए, किसी के मामा, किसी के नाना, चाचा, ताऊ, हर जगह विलाप हो रहा था। उस विलाप के बीच में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने जब कहा कि जाओ, निकल जाओ इस देश से, तो ये लोग वापस वाकई में निकल जाएंगे, ऐसा इन लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन निकल गए। ठीक है, सुबह हुई, अचानक देखा सब जगह खाली खाली खाली, नौकर, मजदूर, गुलाम कोई नहीं है।
निर्गमन की पुस्तक 14वें अध्याय के 5वें पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, निर्गमन 14:5, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जब मिस्र देश के राजा को यह समाचार मिला, मतलब शाहनशाह को जब यह खबर मिली कि वे लोग भाग गए, तब शाहनशाह और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया। आगे का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखें। हमने ये क्या किया, हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी गुलामी से छुटकारा देकर जाने दिया। 20 लाख गुलाम, जिसमें 6 लाख हट्टे कट्टे पुरुष थे जो फ्री फंड में हमारे गुलाम थे, अरे हमने उनको जाने दिया। कैसी गलत बात हो गई, आओ हम उनका पीछा करें और उनको पकड़कर वापस गुलामी में ले आए। और इसके लिए उन्होंने कोई छोटा मोटा कार्य नहीं किया। देखिए आगे लिखा हुआ है, तब शाहनशाह ने अपना रथ जुतवाया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि युद्ध के लिए जो सर्वोत्तम रथ होते थे वो इजिप्ट के लोग बनाते थे, और युद्ध के लिए जो सर्वोत्तम घोड़े हुआ करते थे वो इजिप्ट वालों के पास थे। और एक एक रथ में दो दो, चार चार, छः छः घोड़े जोत दिए जाते थे। हम सब जानते हैं तांगा कितने सारे वजन को लाद कर ले जाता है। तांगे में कम से कम 5 सवारी बैठती है। मैं चंबल इलाके का बता रहा हूँ, वहाँ कम से कम 5 सवारी बैठती है, तांगा वाला 6 लोग होते हैं। और उसके बाद आगे सामान रखते हैं, पीछे सामान रखते हैं, और घोड़ा उसको लेकर सरपट भागता है। यदि यह स्थिति है तो रथ, युद्ध के लिए जो रथ होते थे वो बहुत हल्के होते थे, उसमें एक के बदले दो चार छः घोड़े जोत दो तो कैसा सरपट वो शत्रु के पीछे भागेंगे। और कितने रथ उन्होंने लिए, यहाँ लिखा हुआ है 600 रथ, नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, 600 सर्वोत्तम अच्छे से अच्छे रथ, वरन मिस्र देश के सब रथ लिए और उन सब पर सरदार बैठाए। मतलब ऑर्डिनरी सैनिकों को नहीं, सैनिकों के बीच में जो महान नायक थे, जिन्होंने युद्ध में नाम किया था, ऐसे लोगों को 600 रथों में रखा और यहूदियों का पीछा किया। यदि 600 रथ थे तो उसके साथ कम से कम मेरा अनुमान है कि 50,000 से 60,000 पैदल सेना भी गई होगी। मिस्र देश के पास इतने सारे लोग थे उस जमाने में, 600 रथ, लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक पीछा कर रहे हैं। क्यों? वो लोग गुलामी से छूट गए, अब वो लोग हमारे गुलाम नहीं रहे, आओ उसको पकड़कर वापस लाएं। ये घटना एक चरित्र घटना है जो मुझे और आपको, मेरे और आपके आत्मिक जीवन के बारे में कई बातें बताती हैं। नंबर 1, मैं और आप जो पाप के गुलाम थे, उन लोगों ने जब प्रभु यीशु के द्वारा ज्योति पाई और मुक्ति पाई और संसार से अलग हो गए, तो संसार को बुरा लगता है कि एक आदमी हमारे हाथ से निकल गया, आओ हम उसका पीछा करें, उसको पकड़कर वापस ले आए। इस कारण आज इस सभा में जो लोग प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस क्षण आपने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस क्षण से दुनिया बेचैन है और दुनिया का राजाधिराज बेचैन है कि उसके राज्य में से आप गुलामी से स्वतंत्र हो गए, और इस कारण वो अपने सबसे शक्तिशाली हथियार लेकर वो आपका पीछा कर रहा है।
यदि आपने अपने आत्मिक जीवन में इस बात को महसूस किया है कि आत्मिक जीवन जीने में बड़ी परेशानी हो रही है, मैं तो पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की संगति में रहना चाहता हूँ, प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन ये परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी, मैं क्या करूँ प्रभु? कई बार हमारा मन ये सोचता है। यदि मन ये सोचता है तो इस बात को याद रखें कि संसार की गुलामी से छूटकर आप आज़ाद होकर, आत्मिक रूप से आज़ाद होकर प्रभु के रास्ते पर चल दिए हैं, और इस कारण संसार खुश नहीं है, संसार दुखी है। संसार का शासक, संसार का नायक वो दुखी है कि आप उसके हाथ से छूट गए, और इस कारण वो अपने सर्वोत्तम सेना को लेकर आपका पीछा कर रहा है कि आपको पकड़कर वापस ले जाए। यहाँ हमने देखा 600 रथ मेरे और आपके जीवन में। ये रथ अलग अलग तरीके से आते हैं। हो सकता है कि आपने प्रभु को ग्रहण किया और तब से आपकी पत्नी ने आपका जीवन मुश्किल कर दिया। आप जब तक संसारिक जीवन बिता रहे थे आपकी पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन जिस दिन आपने प्रभु को ग्रहण किया, जिस दिन से आपने गलत कार्यों को छोड़ दिया, गलत संगति को छोड़ दिया, अपनी बुरी वाणी को त्याग दिया, बुरा सोचना छोड़ दिया, तब से आपकी पत्नी खुश होने के बदले आपकी पत्नी जो है वो आपकी दुश्मन बन जाती है और आपका जीवन नरक बना देती है। कारण यह है कि जिस तरह से मिस्र के शाहनशाह के 600 शक्तिशाली रथ थे जिसका शाहनशाह ने उपयोग किया, उसी तरह से इस संसार का शाहनशाह आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पिताश्री, आपकी माताश्री का उपयोग कर रहे हैं, जिससे आपको डरा सके, जिससे आपको धमका सके, जिससे डरा धमका कर आपको इस धार्मिक जीवन से, इस राइचस जीवन से वापस उस पाप से भरे हुए जीवन में ले जा सके। आज से 3500 साल पहले प्रभु के लोगों का पीछा करने के लिए उन्होंने सबसे पावरफुल हथियारों का उपयोग किया। आज जब हम प्रभु की ओर हो जाते हैं तो इस संसार का शासक आपको हैरान करने के लिए उसके पास जो सबसे शक्तिशाली हथियार है उसका उपयोग करता है। जो व्यक्ति इमोशनली, भावनात्मक तरीके से आपके साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति का उपयोग करके वो आपके आत्मिक जीवन को तहस नहस करने की कोशिश करता है। और इसलिए अपने जीवन को जब आप मुड़कर देखते हैं, तब यदि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त, आपका सहकर्मी, आपके घर का कोई व्यक्ति, आपकी पत्नी, आपका पति, बेटा, बेटी, यदि आपके आत्मिक जीवन को निरुत्साहित करते हैं, तो जान रखिए ये संसार के शहंशाह का कार्य है। आगे इसको हम प्रभु ने मदद की तो आगे बाकायदा पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, और स्टेटमेंट यह है, युद्ध यहोवा का है। सी, यदि कोई व्यक्ति 600 रथ और 50-60 हजार की सेना लेकर आ रहा है, तो उस व्यक्ति को रोकने के लिए सेना की जरूरत है। युद्ध करने के लिए आ रहा है, युद्ध करने की जरूरत है। प्रभु ने अपने बच्चों को बताया, मेरे बेटे, मेरे बेटी, डरो मत, युद्ध यहोवा का है, युद्ध प्रभु का है, और प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। और मैं सारे भाई और बहनों को आज ये याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके, पाप और पापमय जीवन से अलग होकर एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश जब आप करते हैं, तो संसार से यदि विरोध आता है, आपका विरोध होता है, तो अपने तरीके से, मानसिक बुद्धि से उसको सॉल्व करने की, हल करने की कोशिश ना करें। प्रभु का वचन क्या कहता है उसको सुने। प्रभु का वचन कहता है, युद्ध प्रभु का है, तुम प्रभु पर भरोसा करो, प्रभु तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। तो यदि
प्रभु की वाणी जो लोग सुन रहे हैं इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जो मुक्ति पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद, अलग हो जाने के बाद अपने जीवन में इस तरह की परेशानी का अनुभव कर रहे हैं? याद रखें, युद्ध आपका नहीं है। इस संसार का नायक आपसे युद्ध कर रहा है। उस नायक से आप युद्ध नहीं कर सकते, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन वो नायक प्रभु के बच्चे को छूने की कोशिश कर रहा है। और प्रभु का वचन कहता है कि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जरा बताएं, यदि मेरे साथ खड़े होकर आप बात कर रहे हो, मैं यदि आपके कंधे पर हाथ रखूं, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। मेरी तो आदत है कि मैं लोगों को कंधे पर हाथ रख के बात करता हूं, लेकिन कंधे पर हाथ रखने के बदले यदि मैं उंगली आपकी आंख में डालने की कोशिश करूं तो पहली बात, आपकी आंख अपने आप बंद हो जाएगी, प्रभु ने ही ऐसा सिस्टम रखा है। दूसरी बात क्या होगा, यदि आपको लगता है कि मेरा हाथ बहुत पास आ गया तो आप हाथ को पकड़कर हटा देंगे। कोई बहुत ही कोपी व्यक्ति होगा तो पूछेगा कि तुम कर क्या रहे हो, अपनी उंगली मेरी आंख में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये क्या तमाशा है, ये क्या नाटक है? प्रभु कहते हैं कि जो प्रभु के बच्चे को स्पर्श करने की कोशिश करता है वो प्रभु की आंख की पुतली को छूने के समान खतरनाक कार्य कर रहा है। प्रभु उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शर्त यह है हम इसको, इस बात को जान लें, युद्ध प्रभु का है, प्रभु पर छोड़ दें। इसका एक दूसरा पाठ भी है। दूसरा पाठ यह है कि यदि पिछले जीवन के सारे दिन यदि आपने गुलामी में बिताए हों, सी ये जो मिस्र देश के लोग जो निकलकर वहां से गुलामी से छूटकर गए थे, इसमें से ज्यादातर लोग वहीं पैदा हुए थे, गुलामी में पैदा हुए थे, उस गुलामी से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया था। उसी तरह से मैं और आप इस संसार की गुलामी में पैदा हुए हैं। ये संसार हमें हमेशा पाप करने के लिए प्रेरित करता है। उस गुलामी से छुड़ाने के लिए जब प्रभु अपना वचन मेरे पास और आपके पास पहुंचाते हैं, तो इस संसार का बादशाह यह नहीं चाहता कि आप उस गुलामी से स्वतंत्र हो जाएं। इस कारण वो तमाम तरह के हथियार का उपयोग करता है जिससे कि प्रभु की वाणी सुनने के बावजूद आप उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दें, पूरी तरह से उसकी उपेक्षा कर दें। वो आपको आज़ादी देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जिस गुलामी में हैं उसी गुलामी में आपको जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कारण मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस सभा में यदि कोई भाई या बहन ऐसा है जिसने प्रभु यीशु के द्वारा नवजीवन या मुक्ति का संदेश सुना है और उस मुक्ति के संदेश के आधार पर पाप से मुक्ति पाना चाहता है, और यदि आपका कोई भाई या बहन है या आपके साथ जो काम करते हैं कोई भी आपको उस बात से निरुत्साहित करता है, तो वो इस संसार के शाहनशाह के लिए कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में आज़ादी ना मिले। एक तीसरी बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ। कई बार जब हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद जीवन में कई पुरानी आदतें थीं जिन आदतों को हम छोड़ देते हैं या छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन उसको छोड़ देने या छोड़ देने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे साथी लोग आकर मजाक उड़ाते हैं। अरे अरे, तू तो बड़ा संत बन गया, तू तो आसमान से फरिश्ता उतर कर आया है। और जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो कई बार हम उसी गलती में वापस चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के बाद यदि आप मनसा, मन से, वाचा, मुंह से, कर्मणा, कर्म से यदि अपने पुराने कर्मों को छोड़ देने की कोशिश करते हैं, और यदि आपके साथी दोस्त, आपके परिवार के लोग यदि आपको मजाक उड़ाते हैं
आपसे कहते हैं कि ये काहे को छोड़ रहे हो, तो याद रखें वो लोग आपकी आजादी के लिए काम नहीं कर रहे, वे लोग आपकी गुलामी के लिए इस संसार के शहंशाह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे आप गुलामी में ही रहे। क्या हुआ इन यहूदियों का, क्या हुआ इन इसराइलियों का, क्या हुआ? जब भी आजादी का संदेश उनको सुनाया जाता था तो वो जो मिली जुली भीड़ है, जो बाहर से तो रोशनी की संतान नजर आते हैं लेकिन अंदर से जिनका दिल पाप से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है, वो प्रभु के बच्चों को वापस पाप की ओर ले जाते हैं। इन इसराइलियों का जीवन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं तब बार बार ये पढ़कर दुख होता है कि वे लोग जिन्होंने सनातन प्रभु को ऑलमोस्ट आमने सामने देखा था, वे लोग छोटी छोटी बातों पर प्रभु को छोड़कर पलट जाते थे। क्यों? एक ही कारण है, संसार का शाहनशाह आपको गुलामी से, अपनी गुलामी से मुक्त नहीं करना चाहता, और यदि उसको लगता है कि आप उसकी गुलामी से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सबसे शक्तिशाली रथ और सबसे शक्तिशाली सैनिकों को लेकर आपका पीछा करता है। ये मेरे और आपके जीवन में एक्चुअल रथ नहीं, एक्चुअल सैनिक नहीं, बल्कि मेरे और आपके जीवन में जिन हथियारों का उपयोग वो करता है ये वे हथियार हैं या वे व्यक्ति हैं जिनका मेरे और आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उनके द्वारा ये लोग आपको तीन कार्य करने से रोकेंगे। वो तीन कार्य मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। नंबर वन, यदि आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं ग्रहण किया है और यदि प्रभु यीशु के शुभ संदेश को सुनकर प्रभु पर विश्वास करके मुक्ति पाना चाहते हैं तो संसार का नायक, संसार का शासक और उसके गुलाम उस मुक्ति को पाने से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, आपका मजाक उड़ाने के द्वारा, आपको डराने के द्वारा आपको प्रभु यीशु के पास आने से रोकेंगे। याद रखें, उनका उद्देश्य आपको आज़ादी देना नहीं है, उनका उद्देश्य आपको गुलामी में ही रखना है। इसको समझकर उन लोगों से भागकर दूर रहें, प्रभु पर विश्वास करें, उद्धार प्रभु की ओर से आएगा। नंबर दो, जिन लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उन लोगों के जीवन में जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी, भाई बहन, पिताजी, माताजी, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, इन लोगों का उपयोग करके आपने जो मुक्ति पाई है, उस जो नया जीवन पाया है, उस नए जीवन को पूरी तरह से परेशानी, दुख और चोट से भर देते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? आपकी आज़ादी को बनाए रखना नहीं है, बल्कि आज़ादी के कारण प्रभु यीशु में जो मुक्ति मिली है उसके कारण आपके मन में जो खुशी है उस खुशी को डिस्ट्रॉय करना, उसको नष्ट करना उनका लक्ष्य है। फिर से याद रखें, युद्ध यहोवा का है। यदि आपकी पत्नी आपसे झगड़ती है, आपका पति आपसे झगड़ता है, आपके विश्वास के कारण यदि आपकी पत्नी, आपका पति, बेटा, माँ बाप कोई भी आपसे झगड़ता है तो यदि वापस पलटकर उनसे झगड़ा करने की कोशिश करें या मानसिक हथियार के द्वारा उनसे युद्ध करने की कोशिश करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि संसार के लोगों के पास जो मानसिक हथियार है वे बहुत शक्तिशाली हैं, वे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा सकते हैं। युद्ध प्रभु का है ये समझ कर प्रभु के हाथ में दे दीजिए। आज या कल या परसों, प्रभु का समय सिर्फ प्रभु ने जाना है। हम कई बार उतावले हो जाते हैं, प्रभु मैं कितने समय से आपका इंतजार कर रहा हूं। प्रभु कहते हैं वेट वेट मेरे बेटे, मेरी बिटिया, वेट, मैं उसका हल निकालूंगा, मैं उसका सॉल्यूशन
करूंगा तुम्हारे लिए। इस तरह से प्रभु करते हैं। संसार मेरे और आपके निकट जो भी व्यक्ति है, अब मैं उसके साथ एक चीज और जोड़ दूं, जो वस्तु है उसका उपयोग कर आपके जीवन में जो खुशी है उसमें बाधा डालता है, ठीक है। तो ऐसी सभी चीज़ों को जितना दूर रखा जा सके उसकी हम कोशिश करें, ठीक है। पहला मैंने बताया था, उद्धार के पास जब आप जाते हैं आपको दूर खींचने की कोशिश करते हैं। दूसरा मैंने बताया था, उद्धार पाने के बाद आपके जीवन को दुख से, परेशानी से भरने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात मैंने क्या बताई थी, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु में नया जीवन पाता है तो उसके जीवन में एक सेपरेशन, एक अलगाव आता है। कल तक जो उसके दोस्त थे आज उसके दोस्त नहीं हैं। कल तक जिस मंडली में बैठता था आज उस मंडली में नहीं बैठता है। कल तक उसकी जो वाणी थी आज वो भाषा नहीं बोलता है। कल तक वो जो नशा करता था, चाहे धूम्रपान हो, पीना पिलाना हो, आज वो उसको छोड़ देता है। तो संसार आकर एकदम से उस बात में बाधा डालने की कोशिश करता है। आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक शब्द का यहाँ प्रयोग किया था, जल संस्कार। जो व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है, प्रभु का वचन ये बताता है कि उसको अपने जीवन में जिस सभा में वो जा रहा है उस सभा के मुखियों के द्वारा जल संस्कार पाना चाहिए। उसका एक और नाम है, आपके पास जो हिंदी बाइबल है उसमें बपतिस्मा शब्द का उपयोग हुआ है, जल के द्वारा जो संस्कार दिया जाता है। आप में से कितने लोगों ने ये जल संस्कार देखा है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि जल संस्कार में जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है वो व्यक्ति सभा के एक मुखिए अगुए के साथ जल में उतर जाता है और वो मुखिया उससे पूछता है, हे मेरे भाई, हे मेरे पुत्र, तुमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है क्या? और जब वो जवाब देता है जी हाँ मैंने किया है, तो फिर वो प्रश्न पूछता है कि ये जल संस्कार तुम अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार ले रहे हो क्या? यदि वो बोलता है कि जी हाँ मैं अपनी इच्छा के अनुसार ले रहा हूँ, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को पानी में डुबा कर वापस लाता है। जो इस बात का चिन्ह है, एक चिन्ह है एक्चुअली, कि जिस तरह से एक जीवित व्यक्ति पूर्ण रूप से पानी के अंदर डुबा दिया गया, एग्जैक्टली उसी तरह से एक मरे हुए व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिट्टी में दबाकर उसको दफना दिया जाता है, उसी तरह से जिसने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है वो अपने पाप को, अपने पुराने फेलोशिप को, पुराने साथियों को, पुराने कर्मों को पूरी तरह से छोड़कर प्रभु के साथ दफन हो गया है, जिससे कि कल वो इस तरह का जीवन ना बिताए। तो प्रभु ने ना केवल हमको पाप से दूर जाने को, मुक्ति पाने को कहा है, मेरी और आपकी जो पाप से भरी हुई संगति है उससे भी अलग होने को कहा है, और उस बात को जीवन भर हम ना भूलें उसके लिए प्रभु ने एक संस्कार भी दिया है। प्रभु ने मदद की, तो आप में से कई लोग आने वाले दिनों में इस तरह के संस्कार जब होंगे तब देखेंगे। आप में से शायद कई लोग इसको पाने की कोशिश करेंगे या पाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, और जब रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको ये जल संस्कार दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप संसार के सामने डिक्लेयर कर रहे हैं, 1, मैं पापी था, 2, आज मैं पापी नहीं हूँ, मैं प्रभु यीशु की संतान हूँ, 3, कल मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया का बच्चा था, आज मैं प्रभु का बच्चा हूँ और इसलिए मैं अलग हो गया हूँ, मैं सबसे दूर हो गया हूँ। इन बातों को समझने के लिए प्रभु सभी भाइयों, सभी बहनों की मदद करे। प्रभु आपको अपनी आशीष दे। जय मसीह की। धन्यवाद।